हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, सेटिंग द पेज अपीयरेंस। बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग एसक्यूएल पेज क्रिएट करते हैं उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, सेटिंग द पेज अपीयरेंस, जो पेज दिखाना है उसमें कुछ चेंजमेंट करना होता है हमें। ठीक है, टेक्स्ट में चेंज करना होता है उसका, जैसे पेज बैकग्राउंड देना होता है, कलर कलर देना हो, इमेज देना हो। ठीक है, जो टेक्स्ट आपने लिखा हो उसको थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन में बनाना उसको। ठीक है, पेज जो है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट जो हमें लिखना है, जहां हमें लिखना है वहीं पे हम लोग उसको कैसे वहां तक ले जाएं। ठीक है, जो हमारा पेज का बैकग्राउंड होता है उसको कलर दे सकते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे सेटिंग द पेज अपीयरेंस। ठीक है, जो पेज हम लोग दिखा रहे हैं उसकी सेटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें होगा आपका, इसमें फर्स्ट क्या होगा, जैसे हमने दिया यहां पे, देखिए सबसे पहले समझिए एट्रीब्यूट। ठीक है, पहले समझिए क्या एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट मॉडिफाई द फंक्शनलिटी। एट्रीब्यूट मॉडिफाई, एट्रीब्यूट मॉडिफाई द फंक्शनलिटी एट्रीब्यूट मॉडिफाई द फंक्शनलिटी ऑफ अ टैग, ऑफ अ टैग एंड ऑफ अ टैग एंड आर प्रोवाइडेड एज नेम वैल्यू, आर प्रोवाइडेड एज नेम वैल्यू पेयर, एज नेम वैल्यू पेयर विद इन द ओपनिंग टैग, विद इन द ओपनिंग टैग। बेटा इसको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो एट्रीब्यूट क्या है, मॉडिफाई एट्रीब्यूट हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो भी टैग्स हम उसमें लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, क्या करना हो, मॉडिफाई करना हो उसको, समझवाया। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, उसकी वैल्यू जो रखी होती है, जो भी नेम वैल्यू पेयर होगा वो कहां देना है, ओपनिंग टैग में, क्लोज टैग में नहीं, ओपनिंग टैग में देना। अब सिंपल सा एग्जांपल समझिए, अगर आपसे कहा जाए एडिंग अ बैकग्राउंड कलर, क्या कहा, एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। देखिए मान लीजिए आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में कुछ कलर होते हैं, पीछे जो होता है कलर होता है कुछ। ठीक है, उसको कैसे लगाना है हमें, ठीक है, उसको कैसे लगाना है, ग्रीन कलर हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, पर्पल हो गया, वो कलर हमें कैसे बैकग्राउंड में दिखाना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एडिंग अ बैकग्राउंड कलर करेंगे। तो सिंपल सा बेटा ध्यान रखना है इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा है, सबसे पहले हम लोग नोटपैड पे इसको कोडिंग करते हैं, आपको पता है, हमने बताया था नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, उस पर हम लोग एचटीएमएल कोडिंग करते हैं, और जब वो एचटीएमएल कोडिंग हम लोग करते हैं सेव करते हैं डॉट एचटीएमएल से, मतलब फाइल नेम देंगे और फाइल नेम देंगे उसका डॉट एचटीएमएल या डॉट एसटीएम देते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन का क्या होगा, एसटीएम या एसटीएमएल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एडिंग अ बैकग्राउंड कलर, मुझे अगर बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो आपको पता है कि जो हमारे एचटीएमएल जो पेज होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड पार्ट होता है, सेकंड बॉडी पार्ट होता है। तो हेड पार्ट से कोई मतलब नहीं होता है, जो कुछ भी हम लोग करते हैं किसमें करते हैं, बॉडी पार्ट में करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड अगर हमें लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से हम एचटीएमएल लिखेंगे, एचटीएमएल हेड, इसके अंदर टाइटल दिया हमने, टाइटल कुछ भी दिया, मान लो हमने दिया बैकग्राउंड,
या दे दिया आपने फर्स्ट पेज, माय फर्स्ट पेज दे दिया मान लो, माय फर्स्ट पेज, और टाइटल मैंने यहां पे क्लोज कर दिया। देखिए क्लोज ऐसे होगा, फिर मैंने हेड क्लोज कर दिया, ठीक है। देखिए इसमें कोई भी केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं पूरा कोड, और ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, बॉडी, जो हमारा मेन पार्ट है। क्या है बॉडी? अब देखिए जो बैकग्राउंड का जो एट्रीब्यूट है हम किसमें ऐड करेंगे, बॉडी में। जो हमारा ओपन टैग है इसके अंदर देंगे, क्या देंगे, जैसे हमें क्या बैकग्राउंड कलर करना है तो बीजी कलर, क्या एट्रीब्यूट नेम होगा, बीजी कलर। एट्रीब्यूट नेम क्या होगा, बीजी कलर। नेम क्या होगा, बीजी कलर। इसकी वैल्यू हमें पास करनी है, क्या दे दिया, जैसे हमने दे दिया येलो, ठीक है, क्या दे दिया येलो। बस देखिए ये ओपन टैग है, इसी मैंने एट्रीब्यूट दिया बीजी कलर, ये आपको याद रखने बेटे, ठीक है। तो बीजी कलर इक्वल येलो, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी इसके अंदर पैराग्राफ दीजिए, हेडिंग दीजिए एच वन, कुछ भी दीजिए, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज कर दिया, बॉडी को हमने क्या कर लिया, क्लोज कर दिया, फिर एचटीएमएल क्लोज कर दिया, ठीक है। जब इसको आप रन कराएंगे तो आप देखेंगे ब्राउजर पे, क्योंकि ब्राउजर पे ही रन होता है एचटीएमएल, तो ब्राउजर पे रन कराएंगे तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या दिया, येलो दिया है आपको इसकी वजह से, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको घर में दिखा देता हूं, जैसे ये देखिए ये जो पेज दिख रहा है आपको, ये वाला पेज, इसके देखिए बैकग्राउंड कलर कैसा है, पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, किस कलर का है, पिंक कलर का। तो आप यहाँ क्या, ये कैसे आया यहाँ पे, क्या किया, पिंक किया, क्या लिखा, पिंक, समझवाया। जब यहाँ पिंक देंगे तो आपको बैकग्राउंड कलर ये मिलेगा, ये जो कलर पीछे दिखाई दे रहा है स्टैट से दिखाई देगा पीछे, ठीक है। तो हम लोग समझ गए हैं कि बैकग्राउंड को हम लोग बैकग्राउंड कलर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गई बैकग्राउंड कलर की बात। अगर आपको इमेज लगाना है, मान लीजिए हमें कलर नहीं लगाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इमेज लगाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बता देता हूं, एडिंग आ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज। अगर आपको इमेज देनी है उसको नोट कर लेना होगा, इसको मैं रफ कर देना, इधर उधर दिखाई ना दे, मैं इधर इधर ही करूं, इसको नोट कर लेना आपको, ठीक है। देखिए हम लोग यहां पे चेंज करते हैं, क्या दिया हमने, बैकग्राउंड इमेज अगर मुझे डिफाइन करनी लगानी है, बैकग्राउंड इमेज अगर मुझे कलर दिया था इमेज अगर, तो सिंपल सा है। इसकी जगह हम लोग एट्रीब्यूट क्या यूज करेंगे, यहां देखिए यही भी देखिए क्या यूज करेंगे, बॉडी पूरी बॉडी चेंज होना है ना, बैकग्राउंड करना है, क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड, क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे, ठीक है। मतलब इमेज लगाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, ये बैकग्राउंड। अगर कलर चेंज करना है तो बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपका इमेज है। देखो इमेज देने के दो तरीके हैं, ठीक है, इमेज देने के दो तरीके हैं, ठीक है। सिंपल सा है, हमने लिख दिया पे abc.jpg, ठीक है। और दूसरा देखिए, अगर देखो ये हम कब दे सकते हैं, ये जो फाइल है ये हम कब दे सकते हैं, ये इमेज हम कब दे सकते हैं, जो आपने ये जो फाइल एचटीएमएल फाइल है जिस फोल्डर में सेव की, जैसे मान लो हमारा फोल्डर नेम है न्यू फोल्डर, ठीक है, इसी में मैंने ये जो फाइल है एचटीएमएल फाइल मैंने सेव की, क्या लिखा हमने, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, ये इसके अंदर, ठीक है, ये जो फाइल है मैंने सेव की किसके अंदर, न्यू फोल्डर के अंदर, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। जो ये इमेज आपको दिख रही है, अगर यहीं पे इमेज भी है abc.jpg,
तो केवल आपको केवल इमेज का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा? नेम लिखना पड़ेगा, पूरा पाथ नहीं देना उसका, ठीक है, उसका पाथ नहीं देना। अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ दूसरी इमेज लगानी है किसी अदर ड्राइव में है, जैसे मान लीजिए डी ड्राइव है, ठीक है, डी ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर है, उसके अंदर हमारी फाइल कौन सी है, मान लीजिए है xyz.jpg, ये फाइल इसके अंदर है। अब देखिए, अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज। लेकिन क्या लिखेंगे हम, d: \ लगाएंगे, क्या लिखेंगे, न्यू फोल्डर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, xyz.jpg, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपकी फाइल वहां पे शो होगी बैकग्राउंड में, ठीक है। आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंपल सा तरीका ये है, आप यहां पे आइए इस इमेज पे, इस पे राइट क्लिक करिए और दिया होगा पाथ, उसको कॉपी कर लीजिए और यहां पे आके पेस्ट कर दीजिए, लेकिन पाथ आपका यहीं तक कॉपी होगा, ठीक है, फाइल नेम कॉपी नहीं होगा, केवल इतना कॉपी होगा। अब यहां पेस्ट करिए, आपको स्लैश लगा के ये लिखना पड़ेगा अलग से, xyz.jpg आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, समझाए जी। तो ऐसे करके हम लोग दो तरीके से कोई इमेज यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, और हमारा एट्रीब्यूट क्या होगा, बैकग्राउंड, हम लोग बॉडी में इसको डिफाइन करेंगे एट्रीब्यूट, चाहे बीजी कलर हो चाहे बैकग्राउंड कलर हो, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करेंगे, अगर इसके पास कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह हो तो आप उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए ठीक है, आज हमने दो चीज सीखी, एडिंग अ बैकग्राउंड कलर और एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।